हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु और हम आज से हमारा एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं BES 122, जिसका नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो ये हमारा बीएड का एक सीरीज़ है, तो हम इसके एक्चुअली 4 ब्लॉक्स हैं, तो हम इसका फर्स्ट ब्लॉक देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि जो ये हमारा कोर्स है, ये वाली जो सीरीज़ है, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जिसे सूरज सर कर रहे हैं कवर। तो आप जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, आप उन्हें उनकी वीडियोस को देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे भी आपको लिंक अवेलेबल होगा वो, और इस वीडियो का PDF भी और लिंक सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आपको सोर्सेज के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारी वीडियो को, हमारे चैप्टर को देखेंगे, जैसे कि इसका नाम है भारतीय सामाजिक संदर्भ एवं शिक्षा। इसकी इकाई 1 भारतीय समाज की प्रकृति, इकाई 2 भारतीय समाज की अपेक्षाएं, इकाई 3 शिक्षा एवं नीतियां, इकाई 4 भारतीय समाज एवं शिक्षा। देखिए, तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हम पहले समझेंगे कि भारतीय समाज की प्रकृति कैसी है, क्योंकि आपको पता है कि जो भारतीय समाज है हमारा, वो बहुत बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। वो हमारे एंशियंट पीरियड से लेकर प्रेजेंट एरा, जो हमारे आज का दिन है, ठीक है, जिस दिन आप ये वीडियो को सुन रहे हैं और जिस दिन से रिकॉर्ड करें, वो एकदम चेंज, वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है और होता रहता है। ये एक कॉन्स्टेंट चेंज है जो हम भारतीय समाज में देखते हैं, चाहे वो अच्छाई में हो या बुराई में हो। तो हम पूरे उस बदलाव को देखेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम था वो एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक में किस तरीके से बदला है, और लोगों का एजुकेशन और लोगों का बिहेवियर एजुकेशन के लिए, या एजुकेशन का लोगों के बिहेवियर पर किस तरीके से बदलाव लाता है। मतलब देखिए, जो साउथ इंडिया के लोग हैं और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनका जो एजुकेशन का आप लेवल देख सकते हैं कि हमारा केरला है जिसे ऑलमोस्ट आप 100% लिटरेसी बोल सकते हैं, ठीक है, और वहीं हमारा बिहार है जहाँ पे लिटरेसी सबसे लोएस्ट है। इवन हमारी यूटीज़ हैं जो, उनसे भी लोएस्ट हमारे बिहार में लिटरेसी है। तो ये डिफरेंसेस दिखा रहा है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन का, इंडिया का। तो ये चीज़ रहती है कि इसी समाज की जो प्रकृति है वो कैसे एजुकेशन पर अफेक्ट डालती है। फिर हम पढ़ेंगे कि इसकी अपेक्षा है क्या क्या है, कि भारतीय समाज में अगर एजुकेशन में किसी भी तरह का बदलाव आ रहा है तो किस तरीके से है। फिर हम इसकी नीति और शिक्षा के बारे में समझेंगे, और लास्ट में हम भारतीय समाज और शिक्षा को एक साथ पढ़ेंगे, उसे कोऑर्डिनेट करके समझेंगे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर की तरफ। ये सारे टीचर्स के नाम हैं जिन्होंने इसको पूरा लिखने में हेल्प की है। ये हमारा जो यूनिट 1 है, ये हमारा है ब्लॉक 1। हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे तो देखिए, ब्लॉक 1 में हम 4 यूनिट पढ़ रहे हैं, यानी कि जो ये फर्स्ट बुक है उसमें हम 4 यूनिट पढ़ेंगे, जो हम अभी देख चुके हैं। उसके अलावा जो हमारी ब्लॉक 2 है उसमें हम 4 यूनिट पढ़ रहे हैं, जो कि स्वतंत्रता पूर्व में शिक्षा का विकास, विद्यालयी शिक्षा का विकास किस तरीके से हुआ। यहाँ से हम स्वतंत्रता के बाद पढ़ेंगे यूनिट 6 से। फिर विद्यालयी शिक्षा का 64 से 85 तक का विकास कैसा हुआ, फिर 86 के बाद का, उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, बिल्कुल अभी तक का। फिर हम अब जब नेक्स्ट बुक को देखेंगे अपनी, तो उसमें हम दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, आपको ये बात पता है कि जो हमारी शिक्षा है उसमें दर्शन का बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जो हमारी शिक्षा का जो एक शेप है, ठीक है, या उसका जो डेवलपमेंट है वो दर्शन के माध्यम से काफ़ी हमें भारतीय समाज में तो ये देखने को मिलता ही है कि जितनी भी शिक्षाएं हैं, चाहे वो किसी भी थिंकर या दार्शनिक की हो, वो एग्जांपल हम ले सकते हैं बुद्ध से, कि उनकी अगर शिक्षा है तो हमारे निजी जीवन से लेकर हमारी शिक्षा पद्धति पर भी अप्लाई करता है। तो हम वही चीज़ देखेंगे किस तरीके से जो दर्शन का जो इफेक्ट रहा है, जो उसका योगदान है शिक्षा पद्धति पर, वो कैसा है, जो ये हम हम अपनी बुक 3 में देखेंगे, यूनिट 9 में, शिक्षा की अवधारणा तथा प्रकृति, शिक्षा के दार्शनिक अधिकार आधार, शिक्षा के लोकतांत्रिक सिद्धांत और शिक्षा का अभिकरण हमें समझेंगे। फिर जो हमारी लास्ट बुक होगी, माध्यमिक शिक्षा के मुद्दे एवं सरोकार, कि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा है, जैसे हम 9 to 12 जिसे हम बोलते हैं, हायर एजुकेशन या फिर हाई स्कूल एजुकेशन जैसे हम ये बोलते हैं, तो वो शिक्षा बाकी 8th तक की जो शिक्षा होती है, जो हमारी एजुकेशन बुक्स सब चीज़ें होती हैं, उनसे किस तरीके से अलग है, और उसके मुद्दे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि 10th का जो रिजल्ट, ऐसा माना जाता है कि आपका जो 10th का रिजल्ट है, 10th एंड 9th, मतलब 9th एंड 10th दोनों का रिजल्ट है, वो आपको आगे आपका करियर डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आप कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। पहले तीन ही, मतलब तीन हम बोल सकते हैं, लेकिन बट वो 4 स्ट्रीम होती थी, जैसे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, फिर आती थी आपकी PCMB यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, जैसे हम मेडिकल स्ट्रीम बोलते थे, फिर आपकी आती थी PCMCS यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड कंप्यूटर साइंस या एक्सेट्रा, जो भी सब्जेक्ट जो भी बोर्ड या फिर स्कूल ऑफर करता है, ठीक है। तो ये 4 यानी कि मेडिकल और नॉन मेडिकल, और आर्ट्स
ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, हमारी चार स्ट्रीम होती है, तो बच्चों के पास बस ये चार ऑप्शन होते हैं जो उनको चुनने होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप बिल्कुल इन जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे, सेम इन तीनों में भी होता है। तो इसीलिए जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है 2020 में, तो उसने इस चीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस थे, इनके बीच में जो गैप था, उसको ब्रिज करने की कोशिश की, यानी उसको कम करने की कोशिश की। और उन्होंने चॉइस दी है कि हाँ आप कोई सा भी, आप चाहे आर्ट्स, मतलब कि अगर एक आर्ट्स का बच्चा है लेकिन उसका इंटरेस्ट है बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, तो अपने मेन सब्जेक्ट के साथ वो इन दोनों सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकता है, नहीं तो मैथ्स को चूज़ ले। हो सकता है कि बच्चा 10th के बाद, मतलब उसके कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि उसे सोशल साइंस भी पसंद है साथ में उसे मैथ पसंद है, लेकिन जो हमारी अभी जो चल रही है हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारा जो चल रहा है वो इन दोनों को एक साथ नहीं होने देता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इनको पॉसिबिलिटीज़ दी है कि आप चुन सकते हैं, अगर आपका स्कूल इस बैच को ऑफर करता है तो आप आराम से चुनिए, या फिर आप बायो के साथ आप पढ़ लीजिए कॉमर्स का सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी पढ़ लीजिए, मेडिकल नॉन मेडिकल एक साथ पढ़ लीजिए। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि आपके पास ना स्कोप ज़्यादा होगा, तो ये चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करेंगी। तो हम पूरे, मतलब ये जो हमारा यूनिट है 13 और स्पेशली हमारा जो बुक 4 है उसमें हम इन्हीं को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 13 है माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, फिर 14 है शिक्षा में समता एवं समानता, कि शिक्षा में समता और समानता दो वर्ड आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो हम इन्हीं को समझेंगे कि शिक्षा में किस तरीके से इन दोनों को यूज़ किया गया है शिक्षा के लिए एक्चुअली। फिर 15 नंबर हमारा जो यूनिट 15 है माध्यमिक शिक्षा एवं पाठ्यचर्या के मुद्दे तथा गुणवत्ता के सरोकार, क्योंकि आज के जो हमारे हमारा जो हाई स्कूल एजुकेशन है वो काफ़ी, मतलब उसका लेवल है जो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं। जो अगर आप जैसे दिल्ली बोलिए कि दिल्ली में CBSE बोर्ड है, बट जो बाकी स्टेट्स या UTs हैं वहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो CBSE पढ़ सकते हो वरना आप इसमें स्टेट बोर्ड पढ़ो। अब यहाँ पे CBSE हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, फिर UP का बोर्ड हो गया, बिहार का, महाराष्ट्र, कर्नाटक, सबके अपने पास बोर्ड है। अब इनके एजुकेशन में बहुत अंतर देखने को मिलता है, इनके सिस्टम में बहुत अंतर देखने को मिलता है। जहाँ CBSE बोर्ड ईजी माना जाता है वहीं ICSE बोर्ड बहुत टफ और हार्ड माना जाता है। उसी तरीके से CBSE और स्टेट बोर्ड का मानेंगे तो CBSE है जो काफ़ी टफ माना जाता है उनके अकॉर्डिंग, या कहीं कहीं पर CBSE काफ़ी ईजी होता है तो स्टेट बोर्ड बहुत हार्ड। तो यहाँ पर उनकी गुणवत्ता के बारे में जानेंगे कि क्यों ये जो ब्रिज है, जैसे कि बहुत अच्छे स्कूल होते हैं जो आपको ECA यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो करवाते हैं, फिर वहाँ के बच्चों के जो एजुकेशन का जो मतलब जिस तरीके से वो लोग एजुकेटेड होते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका पढ़ाई करने का तरीका, उनके ग्रेड, ये सब बहुत अंतर आता है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। और हमें पता ही है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल का हाल क्या है, तो हम यही सारे मुद्दों को इसमें समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा आता है लास्ट यूनिट माध्यमिक शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। हमारा व्यावसायिक विकास इसमें बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो जिसे हम वोकेशनल सब्जेक्ट्स बोलते हैं, जो कि ITI हो गया या और अदर जो इंस्टीट्यूशंस होते थे वो उन्हें करवाते थे, या स्कूल में जब भी होते थे लेकिन उनको लोग ज़्यादा चुनते नहीं थे, क्योंकि आप वोकेशनल सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट्स के साथ तो मतलब ज़्यादा तरीके से चुन नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत सारे स्कूल ऐसा ऑप्शन नहीं देते थे या फिर स्कूलों के पास ऑप्शन ही नहीं होता था। तो इसी के कारण जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, जो कि हमें आगे हेल्प करते हैं कुछ किसी भी तरीके से रोजगार पाने में, तो वो बच्चे बाय इंटरेस्ट नहीं चुन पाते थे या कुछ भी, तो उनके विकास के बारे में बात करेगा। और स्पेशली आपने ध्यान दिया होगा जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस चीज़ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि बच्चों को सिर्फ रोट लर्नर यानी कि रट्टू टोटा नहीं बनाना है, आपको किताबें पढ़ कर ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हम पढ़ के आ रहे हैं, सिर्फ उसे रटना नहीं है, हमें पता हो हमने क्या पढ़ा है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ पर है हमारी पाठ्यक्रम की प्रस्तावना यानी हमारी बुक का इंट्रोडक्शन है, और यहाँ तो अब ये आप इसे पढ़ लीजिए ताकि आपको ये पूरी बुक क्या बताना चाहती है आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पाठ्यक्रम के उद्देश्य, मतलब कि ये जो बुक डिज़ाइन की गई है वो किस तरीके से डिज़ाइन की गई है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय समाज के सामाजिक यथार्थों तथा इसका शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना है, आपको और समझ जानना है कि उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, और वो किस तरीके से हमारी शिक्षा पर प्रभाव डालता है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट भारतीय समाज में विविधता, असमानता, सीमांतता या उपेक्षा यानी हाशियाकरण और इसके शैक्षिक निहितार्थ के विषय में जानकारी, जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक जो स्कूल जो रिच स्कूल होते हैं या जो स्कूल इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं या स्टेट या UTs हो गई या डेवलप्ड सिटीज़ हो गई, गांव हो गए, इनके बीच में जो एजुकेशन का जो इनके बीच में जो अंतर आता है वो चीज़ हम समझेंगे किसके माध्यम से, हमारे भारतीय समाज के माध्यम से, कि इसमें जो विविधता है क्या
इन स्कूलों में और इन स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षाओं में अंतर उसी के कारण है या और भी कारण है? तो हम इसमें विविधता को समझेंगे कि डाइवर्सिटी कितनी है, इनइक्वालिटी को समझेंगे, ठीक है, इसके हम सीमांतता को, या फिर जैसे हम कहते हैं कि मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको हम समझेंगे। नेक्स्ट, शैक्षिक संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक रूपांतरण की अवधारणा, कि शिक्षा के संबंध में किस तरीके से समाज में परिवर्तन आ रहा है या किस तरीके से समाज का रूपांतरीकरण हो रहा है, हम उस अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, एक सभ्य समाज किसे कहा जाता है? जब वो एजुकेटेड होता है, वो अपने राइट्स के बारे में जानता है, वो अपनी ड्यूटीज़ के बारे में जानता है, तो हम उसे एक सभ्य समाज की परिभाषा में उसे ढाल देते हैं, या उसे हम बोलते हैं कि हाँ, ये एक सभ्य समाज का एक फीचर है ये। तो हम उसी चीज़ को समझेंगे यहाँ पर। ओ, आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है आपसे। और अगर आपको अभी तक में कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है शिक्षा की अवधारणा एवं लक्ष्यों को समझना। अब पहले तो हमें जानना होगा कि हमारे भारतीय समाज में शिक्षा की अवधारणा है क्या, मतलब हम शिक्षा लेना या शिक्षा देना किस तरीके से कोशिश करते हैं, मतलब क्या हमारे माइंड में उस चीज़ के लिए होता है। क्योंकि अभी का टाइम जो कैपिटलिज्म जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, यानी कि पूंजीवाद जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, कि आपको शिक्षित होना ज़रूरी है। साथ में आपको ये चीज़ नज़र आई होगी कि जो शिक्षा का पूंजीकरण या प्राइवेटाइजेशन काफ़ी स्पीड से हुआ है, वो सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। भारत में इसका असर अब बहुत देखने को मिलता है कि अब लोग इसको एज अ बिजनेस यूज़ करते हैं, ना कि एज अ एजुके मतलब कि आप उसे एजुकेटेड उसे एजुकेशन आप देना चाहते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं उसको, नहीं, वो फिर वो एज अ बिजनेस इसे यूज़ किया जाने लगा। चाहे वो स्कूल, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुलते आए हैं, वो छोटे छोटे लेवल पे भी और बड़े बड़े लेवल पे भी, जहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। फिर इतने सारे मशरूम्स की तरह तो कोचिंग सेंटर्स खुलते हैं आए दिन। तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि कैसे एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद वो एक बिजनेस के रूप में ज़्यादा बढ़ा है, ना कि शिक्षा देने के संस्थान के रूप में। तो हम इस अवधारणा को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि लक्ष्य क्या है। जब हम शिक्षा देते हैं या हम प्राप्त करते हैं तो उसका लक्ष्य क्या होता है। फिर भारतीय समाज में स्थापित विभिन्न मूल्यों की समझ, इसका शिक्षा पर प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि भारतीय समाज के जो मूल्य हैं, बड़ों का सम्मान, शिक्षित होना, छोटों का सम्मान, शिक्षा का प्रयोग किस तरीके से करना, उसको व्यवसाय के रूप में प्रयोग करना है या फिर उसको अपने निजी विकास के लिए करना है, ये सब चीज़ें। समकालीन शिक्षा में मुद्दों की पहचान करना तथा इसके शैक्षिक आशय को समझना। तो हमें जो हमारे समकालीन, जो अभी हमारे करंट इश्यूज़ हैं, हमें उसके मुद्दों को समझना है और शिक्षा हम उसमें शिक्षा का रिलेशन जानना, मतलब उसमें हमें अपने एजुकेशन का रिलेशन को समझना है। फिर हमारा है भारत में सार्वजनिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास और नीतिगत ढांचे को समझना। देखिए, ऐतिहासिक विकास का मतलब है स्कूलिंग पूरी उस तरीके से नहीं, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, स्कूल से ज़्यादा चीज़ें जो भारत में फेमस थी वो थी गुरुकुल। ये गुरुकुल जैसी चीज़ें काफ़ी इंडिया में फेमस रही है अपने एंशियंट टाइम में भी, अपने मतलब अंग्रेज़ों के आने के टाइम से बहुत पहले। तो उस समय जो शिक्षा की जो वैल्यूज़ थी वो बिज़नेस के रूप में यूज़ नहीं की जाती थी, वो था कि एक टीचर एक गुरु है जो भगवान के समान माना जाता था, और वो बिज़नेस नहीं देखता था इन चीज़ों में, वो उन्हें सच में एजुकेट करना चाहता था। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो हम इसका विकास समझेंगे कि अब, और हम उसके नीतिगत ढांचों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने आने के बाद हिंदू मुस्लिम ये सब तरह के स्कूल खुलवाए, और उनका जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने जिस तरीके से इस्टेब्लिश किया भारत में, फिर इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें हम एक प्रोसेस में समझेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं वर्तमान विकास से परिचय स्थापित करना। हम भारत में जो हमारा शिक्षा का किस तरीके से सार्वभौमिक यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है, हम उसको समझेंगे, और उसका कैसे विकास हुआ है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन है कि हम हर यूनिट में किन चीज़ों को या किन चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, किन्हें ज़्यादा समझेंगे। देखिए, जैसे फर्स्ट यूनिट हो गया आपका, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फिर फोर्थ यूनिट है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, तो हम उसका इंट्रोडक्शन एक बार देख लेते हैं। कैलकुलस स्ट्रक्चर, फर्स्ट यूनिट का नाम है भारतीय समाज की प्रकृति। तो हम इसमें प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर हम उसमें भारतीय समाज की प्रकृति के उद्देश्यों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारा 1.3 जो है, भारतीय सामाजिक संरचना, इसकी प्रकृति। तो हम इसकी प्रकृति में समझेंगे, जिसका वो फर्स्ट पॉइंट है, विच इज़ जाति व्यवस्था। तो हम भारतीय समाज की पहले जाति व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे, और ये चीज़ हम स्कूल से भी समझते आ रहे हैं।
फिर हम इसकी वर्ग व्यवस्था को समझेंगे, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था। थर्ड, परिवार और समुदाय के स्ट्रक्चर को समझेंगे हम, और उसका शिक्षा पे किस प्रकार का असर होता है, तो इसको कोशिश करेंगे समझने की, उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। फिर धर्म का शिक्षा से क्या रिलेशन है, और हमारा 1.3.5 में परिवर्तनशील सामाजिक ताना-बाना, यानी कि किस प्रकार से जो हमारा समाज है या समाज के जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से परिवर्तन कर रहा है, और उस परिवर्तन को होने में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, योगदान रहा, या उससे क्या फ़ायदा नुकसान हुआ, वो परिवर्तन होने के पीछे का लक्ष्य क्या था, ये सब चीज़ें समझेंगे। फिर हम हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुलतावाद को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारा 1.4 है, संरचनाओं के मध्य अंतर संबंध। तो हम जानेंगे जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, वो कोरिलेटेड है या नहीं है, अगर है तो कैसे, क्या वो एक दूसरे के पूरक हैं या फिर वो अपने आप में ही पूरक हैं, इन चीज़ों को इसमें देखेंगे। फिर आगे हम कवर करेंगे राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में भारतीय समाज की समस्याएं। तो इसकी पहली समस्या है लैंगिक असमानता। तो ये बहुत ज़्यादा ही एक ऐसा टॉपिक है जो हम आए दिन देखते हैं, बल्कि हम उसे अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, कभी कभार हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि ये जेंडर इनइक्वलिटी की बात है, और हमें लगता है कि ये सब नॉर्मल है। तो हमें ये चीज़ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किन चीज़ों ने या किन परिस्थितियों ने, किस किन विचारों ने जेंडर इनइक्वलिटी को एक सामान्य व्यवस्था के रूप में बदल दिया, और हमें उन्हीं चीज़ों को इसमें पढ़ने की कोशिश करनी है, उन्हें समझना है। नेक्स्ट, राष्ट्र की धर्मनिरपेक्ष स्थिति को कायम रखने की समस्या, कि जो भी हमारा जो राष्ट्र है वो अपने आप को सेकुलर तो बोलता है, वो ऑफिशियली यानी कि अपने संविधान में वो अपने आप को सेकुलर बोलता है, लेकिन जो यहाँ की व्यवस्था है वो हमें सेकुलर तो नज़र नहीं आती है। और फिर हमारे यहाँ पे लोगों को, मतलब हमारे इवन फंडामेंटल राइट्स है जो हमारा, उसमें हमें दे रखा है कि आप अपनी जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उन्हें बढ़ा सकते हैं, आप उन्हें प्रमोट कर सकते हैं, धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, लोगों को धार्मिक रूप से शिक्षित कर सकते हैं। तो इसका जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके साथ किस तरीके से एक कॉन्ट्रडिक्शन होगा या रिलेशन होगा, ये चीज़ हम देखेंगे। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक सिद्धांतों का समर्थन, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे लोग हैं जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानते हैं, उनका समर्थन करते हैं, और फिर वो कहते हैं कि शिक्षा को धर्म से दूर रखना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, लोगों को पहले अपने धर्म को अच्छे से जानना चाहिए, फिर वो मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, ताकि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो उन्हें मैनिपुलेट ना कर सके, और लोग अपनी वैल्यूज़, अपने कल्चर, अपने संस्कारों को ना भूल सके। तो इसके बीच में हमें इसको समझना है और उनको बैलेंस को समझना है। फिर हम भाषाई विविधता जानेंगे, भाषाई विविधता का बहुत बड़ा एक अंतर पड़ जाता है हमारी शिक्षा से। जैसे कि आप नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को ले सकते हैं, कि जो नॉर्थ इंडिया के मोस्ट स्टेट्स हैं वो हिंदी बोलना जानते हैं, वो हिंदी समझते हैं, और वहाँ पे स्कूल में अक्सर हिंदी पढ़ाई जाती है और हिंदी एक मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन हम जब ये चीज़ साउथ इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पे हमें चीज़ देखने को नहीं मिलती, वहाँ पे ऐसा लगता है कि हिंदी का नामो निशान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी खुद की लैंग्वेज, वहाँ पर हर स्टेट के पास एक अपनी लैंग्वेज है, हर स्टेट अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम करता है, और साथ में उनका जो एजुकेशन का तरीका है वो फिर उसमें काफ़ी अंतर आता है, क्योंकि जो साउथ के लोग हैं वो अपनी एक कॉमन लैंग्वेज रखते हैं जो है कि इंग्लिश, और उसको मेन लैंग्वेज के रूप में प्रमोट भी करते हैं। तो फिर वहाँ पर इंग्लिश का डिफरेंस, नॉर्थ में हिंदी और अदर लैंग्वेजेस का डिफरेंस, तो ये बहुत अंतर करता है कि किस तरीके से साउथ के लोग ज़्यादा एजुकेटेड माने जाते हैं और उनको अच्छी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी को वो अप्रोच करते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो लैंग्वेज का बहुत अंतर पड़ता है। फिर हमारा जो 1.5 में जो हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रादेशिक एवं सांस्कृतिक विविधता, यानी कि हम स्टेट वाइज जानेंगे और हम कल्चर वाइज को समझेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, क्या इनका एजुकेशन सिस्टम है और किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद हम 1.6 की तरफ बढ़ेंगे, जो है राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका, कि राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका कितनी है। तो ये तो कोई समझ में आने वाली टॉपिक तो है नहीं, ये तो हम जब पढ़ेंगे हमें तभी समझ में आने लगेगा। उसके बाद हमारा जो है 1.7, शिक्षा द्वारा सीमांत का समाधान, यानी कि कैसे शिक्षा के माध्यम से हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है या ग्रुप है या लोग हैं, कुछ भी है या एनीथिंग एल्स, वो कुछ भी हो सकता है, हमें उसका समाधान कैसे निकालना है। फिर हम टॉपिक को कंक्लूड करेंगे और साथ में हम ये जानेंगे कि ये इस जो चैप्टर में क्वेश्चंस हैं हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर इन्होंने यहाँ पर कुछ रेफरेंस बुक्स दी हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उन रेफरेंस बुक को, अगर आप पढ़ना चाहें कि अच्छा इस टॉपिक को इस रेफरेंस बुक से दिया गया है तो हम उसे आगे कंटिन्यू करें। तो ये कुछ बुक लिस्ट दी गई है, रेफरेंस लिस्ट दी गई है, उसके बाद हम कि किस तरीके से आंसर चेक किया जाता है। तो अभी हम जो बढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रस्तावना,
हम तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस इकाई में हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो उन्होंने पहले ही बता दिया, जैसे कि जाति, वर्ग, धर्म, परिवार, समुदाय तथा बहुलतावाद की विस्तृत के विस्तृत संदर्भ के साथ भारतीय समाज की प्रकृति के विषय में अध्ययन करेंगे। और हम देखिए एक लाइन बोलते हैं कि सामाजिक विकास में जाति व्यवस्था एक बाधा है, ये बात हम सब जानते हैं। वर्ग चेतना भी लोकतांत्रिक मुद्दों की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करता है। सबको पता ही है कि कुछ लोग किसी भी वैल्यूज़ को, किसी भी मोटिव या एम को बदल नहीं सकते, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में आ जाते हैं और वो जिस तरीके से दबाव बनाने लगते हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर, किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर या किसी और भी चीज़ के ऊपर, तो फिर वो होता है कि आप उन वैल्यूज़ को जो हमारे लोकतंत्र ने, जो हमारे संविधान ने हमें दिए, उन्हें अपने रोक रहे हैं। तो ये चीज़ हमें जानना है कि ये अवरोध किस तरीके से बना रहे हैं। इसके बाद घर, समुदाय, धर्म तथा शिक्षा में भी एक निकट संबंध है। तो ये तो हम काफ़ी बेसिक से जान रहे हैं कि हमारा घर किस तरीके से हमें एजुकेशन के लिए शेप करता है। जैसे कि एक पढ़ा लिखा परिवार है तो वो हमेशा पढ़ाई के प्रति काफ़ी सचेत रहेगा, वो जानता होगा कि अपने बच्चे को आगे कैसे हमें पढ़ाना है, कौन से स्कूल में डालना है, उसकी जो लाइफ होगी आगे वो किस रूट पे जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, या वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में किसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहता है, या वो बिज़नेस के किसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उसका जो बैकग्राउंड है उसी तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। जैसे बच्चे कहते हैं हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, कुछ कहते हैं हमें पोइट बनना है, तो फिर उनको उसी बैकग्राउंड के उसी तरह का बैकग्राउंड दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका घर किस तरीके से आपको एजुकेशन के लिए शेप करता है, आपका समुदाय कैसा है। अगर आप एक ऐसे ग्रुप से आ रहे हैं, आप ऐसी कम्युनिटी से आ रहे हैं जो कि बहुत कम एजुकेटेड है, जिन्हें शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, उन्हें बस इतना पता है कि 12th तक पढ़ाई होती है, उसके बाद 3 साल का कॉलेज होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है और उस 3 साल के कॉलेज में आपको अपनी लाइफ को कैसे शेप करने को मिलता है, तो ये सब चीज़ें लोगों को नहीं पता। तो अगर आप उस कम्युनिटी में बहुत लंबे समय से रहे हैं तो आपको भी यही लगेगा। और अगर आपके टीचर्स वगैरह जो आपको उतना अवेयर नहीं करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, तो ये चीज़ें बहुत आपके एजुकेशन सिस्टम पर इफेक्ट करेगी। कि हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए केपेबल हैं, आपको भी पता आपकी केपेबिलिटी है, लेकिन आपके पास वो रास्ता नहीं है, वो रिसोर्सेज या वो गाइडेंस नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें। तो इसीलिए ये समुदाय है होता है, धर्म, अब धार्मिक शिक्षा जैसे हमेशा डिबेट की जाती है कि धार्मिक शिक्षा जो होती है वो पहले दी जानी चाहिए या फिर मॉडर्न एजुकेशन पहले दी जानी चाहिए। अगर बच्चा पहले मॉडर्न एजुकेशन प्राप्त करता है और वो अपनी वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, या बच्चा धार्मिक शिक्षा के बाद मॉडर्न एजुकेशन को उसी नज़रिए से देखेगा जैसे धार्मिक शिक्षा को देखा जाता है, तो उसका रिएक्शन वो ये सब चीज़ें ये सब देखने को मिलेगा। अब उसके बाद है कि हम ये देखेंगे समाज में परिवर्तन लाने वाले उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम अनेकता में एकता के साथ बहुलतावादी उपागम को भी समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्चुअली जो हमारा इंट्रोडक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा नहीं है, तो इसे हम लाइन टू लाइन पढ़ के आज ही, मतलब आज हम फिर नए टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे, तो इसे मैं लाइन टू लाइन पढ़ी, तो प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि इंट्रोडक्शन से मैं आपको सेट कर दूँ कि हाँ, हमें मतलब हमें पता होना चाहिए कि अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो दिया ही इसलिए जाता है। देखिए, अब हमने वहाँ तक तो देख लिया बहुलतावाद तक। विभिन्न संरचनाओं के मध्य संबंध एक चुनौती हो सकता है, हो चुका है, और उसे समझना आवश्यक है। तो जितनी भी संरचनाएं हैं, चाहे वो ये संरचनाएं हैं ठीक, या फिर हमारे समाज ने जिस तरीके से नई नई चीज़ों को बनाया है वो उस तरीके की संरचनाएं, उनके बीच का रिलेशन समझना है, उनके बीच का कॉन्ट्रडिक्शन, उनके बीच में क्यों इतना गैप है, उस गैप को समझने की कोशिश करनी है। वो इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है करना। भारत में राष्ट्रीय विकास देवता के समक्ष देखना आवश्यक है, यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय विकास है उसे हमें डाइवर्सिटी के साथ देखना है, उसे पैरेलल देखना है, ना कि हमें उससे अलग, मतलब आपको आप विकास को अपने डाइवर्सिटी से अलग नहीं समझ सकते, आपको उनको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, उसे एक साइकिल के 2 पहियों के जैसे ही लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण हर एक जो ग्रुप है या कम्युनिटी है वो अपनी अलग अलग डिमांड करते हैं, वो क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमें बेटर चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले हमेशा, वो चाहे दूसरों से या खुद से। तो इसी चीज़ को कि हम अपनी डाइवर्सिटी को तो हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ना वो पॉसिबल है, ना ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अपने क्योंकि इंडिया अपनी डाइवर्सिटी के लिए ही जाना जाता है, तो हमें उसके साथ एक तालमेल बिठाकर अपने विकास को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज के बेस पर हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी के बेस पर हो, हमारे कल्चर, थॉट्स, एनीथिंग एल्स, तो हमें उसके साथ एक तालमेल बिठाना है, उसको आगे बढ़ाना है।
फिर है कि इस इकाई के उद्देश्य में आपको लैंगिक असमानता की समस्याओं का विश्लेषण के योग्य बनाता वाला आपको चीज़ समझ में आएगी कि एक्चुअली जो हमारा जो जेंडर इनइक्वलिटी है, जो लैंगिक असमानता है हमारे हमारे समाज में, जिसे मैंने अभी आपको बताया था कि जिसे देख के हमें लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इस पर इतना बड़ा इशू करने की क्या ज़रूरत है। तो हमें वही वो एक समझ देंगे कि किस इशू को बड़ा बनाना है और किसको इग्नोर करना है। नेक्स्ट यह है आपको संविधान का आदर, भारत तथा भारत को महाशक्ति बनाए बनाने के लिए सभी भाषा धर्म संस्कृति के आधार को समझने के लिए सहायता देगा। मतलब कि एक तो आपको संविधान के प्रति एक सम्मान की भावना देगा, साथ में भारत जिन कारणों से अपनी एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है उन चीज़ों को उनके प्रति आदर, उनको समझने का एक नज़रिया हमें देगा। उसके बाद है यह आपको सॉरी हमने पढ़ लिया, ये अंत में यह इकाई आपको सुझाव देती है कि शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक मूल्य तथा वैश्विक नागरिकता तथा बंधुता का विकास होना चाहिए। वो किस तरीके से होगा यह सुझाव हमें मिलेगा। अब है हमारा 1.2 उद्देश्य। तो अब ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आप अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही आप हमें बता सकते हैं कि आपको हमारा काम और ये हमने जो नई सीरीज शुरू की वो कैसी लग रही है। और सूरज सर ने जो इंग्लिश की सीरीज शुरू की है इसी यूनिट की, तो आप अगर इंग्लिश से हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, या आप जिन्हें जानते हैं जो इंग्लिश से कर रहे हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आपको सभी चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, और इस वीडियो इस PDF का लिंक और उस इंग्लिश वाले का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ शेयर आर चैनल एंड शेयर आर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कॉमेंट अस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।